तो यार देखो, फ्री फायर के अंदर अगर आप एक बार को देखोगे तो डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना आसान है और किसी शॉटगन से मुश्किल है, क्योंकि डेजर्ट ईगल में से निकलती है सिर्फ एक गोली और किसी शॉटगन में से गोलियों का पूरा रेनबो निकलता है। और यार दिक्कत इसी बात की है कि आपको वो रेनबो हमेशा सिर्फ व्हाइट कलर ही देता है कुछ भी। तो इसीलिए अगर आपको अपने किसी भी शॉटगन के व्हाइट और येलो कलर के हेडशॉट को रेड कलर में तब्दील करना है ना, तो फिर ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई शॉटगन अकेले ही किसी भी मैच को पलटने का दम रखती है। क्योंकि इसका हेडशॉट तो दूर की बात है, अगर किसी को इसका एक गोली बॉडी शॉट भी मार दोगे तो फिर उसका दुख भाई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे आप M187 या फिर किसी भी शॉटगन में परफेक्ट हो सकते हो और आसानी से बढ़िया बढ़िया वन टैप कनेक्ट कर सकते हो। और सच बता रहा हूँ यार, आज के बाद आपको शॉटगन के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली भाई, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है क्योंकि। तो इसीलिए कोशिश ये करना कि एंड तक बने रहो, लेकिन उससे पहले एक वन टैप लाइक वाले बटन पे कनेक्ट करो और तुरंत दूसरा सब्सक्राइब वाले बटन पे, वरना आपके सारे वन टैप बॉडी पे लगेंगे, फिर आके मेरे को मत बोलना। तो मैं उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। अब देखो, फ्री फायर में दो शॉटगन जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है, एक है M187 और दूसरी है M1014, जो कि आप सभी को पता है। जिसमें से M187 से तो बहुत लोग वन टैप मार लेते हैं, लेकिन M1014 से अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। वो बात अलग है कि बहुत यूट्यूबर क्या करते हैं कि वो कस्टम में अपने दोस्तों को ले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तू इधर से आना, मैं इधर से आऊंगा और मैं इधर से निकल के तेरे को वन टैप मार दूंगा। और ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारी क्लिप्स निकाल लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने तो भाई 1v4 कर दिया, 1v6 कर दिया शॉटगन से। तो वो उनका वन टैप मारना नहीं है, वो बस आप लोगों को धोखा देने वाली बात है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि आप लोग भी उन जैसे वन टैप मार सकते हो, आप लोग कभी नहीं मार पाओगे। क्योंकि वो वन टैप यार एक स्क्रिप्टेड वन टैप होता है और वो सभी दोस्त भाई एक साथ डिस्कॉर्ड में बैठे होते हैं और वो यूट्यूबर जो होता है वो उनको बोलता रहता है कि भाई अब तू आ वन टैप खाने, अब तू इधर से आ, ये कर वो कर। अच्छा, तो इसीलिए असली बंदा वो है जो CS रैंक या फिर BR रैंक में वन टैप मार के दिखाए, और वो जो यूट्यूबर जो अपने दोस्त को बुला के वन टैप मारते हैं ना, उनको इंस्पिरेशन मानना भाई छोड़ दो। अब देखो ये बात करते हैं कि आप लोगों को रियल वाले वन टैप कैसे मार रहे हैं शॉटगन से। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको ठीक करनी है ना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है फायर बटन का पोजीशन। और ये चीज यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसे मैंने खुद भी एनालाइज किया है कि जब हम शॉटगन से ड्रैग करते हैं ना, तो हमें भाई ड्रैग करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल ही नहीं पाता। इसीलिए आप लोग अपने फायर बटन को जितना भी नीचे लेके जा सकते हो, कोशिश ये करना कि आप लोग उतना नीचे ले जाओ, है ना, जितना नीचे कर सकते हो उतना नीचे कर दो। अब वैसे भाई इतना भी नीचे नहीं करना, आप लोगों को बस उतना ही करना है जहां तक आप लोगों को सूटेबल लगे। अब बात करते हैं शॉटगन से हेडशॉट ट्रिक की। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे दोनों हाथों में क्या है, तो मेरे जो दोनों रियल हाथ है ना, उनमें एक रियलमी का मोबाइल है। लेकिन अगर गेम वाले हाथों की बात करोगे तो उसमें मैंने एक बिना गन स्किन की M1014 गन को पकड़ा हुआ है ना। और मैं अभी आप लोगों को M187 का भी बताऊंगा, लेकिन अभी M1014 का सुन लो। तो M1014 जो गन है ना, इसका फंडा थोड़ा अलग है, क्योंकि जितना कोई चीज फेविक्विक या फिर आटा लगाने से नहीं चुपकती, उससे ज्यादा इसका एम चुपकता है। मतलब यार सबसे ज्यादा एम लॉक वाली गन हमारे फ्री फायर में अभी तक M1014 ही है। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको M1014 से हेडशॉट मारना है ना, तो आपका जो एम है वो ड्रैग करने से पहले व्हाइट होना चाहिए। मतलब आपको M1014 चलाते समय अपने एम को अपने एनिमी से दूर रखना है, तभी जाके आप लोग M1014 से तगड़े तगड़े वन टैप मार पाओगे, वरना आपको भी उन्हीं यूट्यूबरों की तरह दोस्त को बुला के वन टैप मारना पड़ेगा। और देखो, अगर आप लोग साफ साफ देखो तो M1014 से हेडशॉट मारने में दिक्कत क्या है, उस दिक्कत को पकड़ो। दिक्कत ये है कि M1014 में आपका जो एम है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी और बहुत ही ज्यादा चुपक जाता है सामने वाले की बॉडी पे। तो उसको कम करने के लिए मेरे पास तीन तरीके हैं, और उन तीन तरीकों के अलावा मेरे को कोई और गैजेट तरीका नहीं दिखा अभी तक। तो पहला तो वही है कि आप लोग वाइट एम से ड्रैग करो, एम लॉक अपने आप ही कम होगा और हेड पे लगने के चांस बढ़ जाएंगे, और M1014 में ये चीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है। सेकंड तरीका ये है कि भाई आप लोग रोटेशन ड्रैग का इस्तेमाल करो, और रोटेशन ड्रैग से भी क्या होता है कि हमारा जो एम है वो बॉडी पर कम एम लॉक होता है, इसीलिए बड़े बड़े यूट्यूबर भी रोटेशन ड्रैग को प्रेफर करते हैं और बाहर की कंट्री के प्लेयर भी रोटेशन ड्रैग का यूज करते हैं। थर्ड जो तरीका है वो है कि फास्ट ड्रैग करो, मतलब बहुत तेज ड्रैग कर दो, जिससे कि गोली या तो आसमान में जाएगी या फिर बंदे के हेड पे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्या करना है। तो या तो आपको वाइट एम रख के ड्रैग करना है M1014 में, या फिर रोटेशन ड्रैग करना है, या फिर इतनी फास्ट ड्रैग कर देना है कि आप लोगों का एम बॉडी पर लगने का कोई चांस ही ना हो। तो मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर आप लोग समझ गए तो ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको M1087 से कैसे हेडशॉट मारना है। तो M1087 एक ऐसी गन है जिसका एम लॉक M1014 के मुकाबले कम होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो एम लॉक बिल्कुल
बिल्कुल होता ही नहीं है, एम बिल्कुल भी नहीं चिपकता, चिपकता है लेकिन कम चिपकता है। और M1887 के बॉडी शॉट को हेयर शॉट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आपको जो मैंने तीन चीज बताई है ना M1014 के लिए, उसमें से अगर आप लोग एक चीज भी इधर अप्लाई कर दोगे ना तो भी आप लोग बड़ी आसानी से हेयर शॉट मार दोगे। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि M1014 में हमेशा आपको वाइट एम रख के ट्रैक करना है, लेकिन M1887 एक ऐसी गन है अगर आप लोग इसमें वाइट एम या रेड एम दोनों रख के ट्रैक कर दोगे तो भी आप लोगों को हेड शॉट लगेगा। मतलब एम का मैटर तो भाई यहाँ पे खत्म हो जाता है, एम तो कैसा भी रख लो, सारा मैटर आता है यहाँ पे ड्रैग स्पीड पे। मतलब देखो M1887 में आप लोग एम को जो मर्जी रख लेना और आप लोगों को करना भी रोटेशन ड्रैग है, लेकिन इधर आपको अपनी ड्रैग स्पीड को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा ड्रैग स्पीड कर दोगे तो आपका हेड तो लगेगा लेकिन सिर्फ एक दो गोली हेड शॉट लगेंगी, बाकी गोलियां रिकॉइल कर जाएंगी। इसीलिए आपको M1887 में हमेशा मीडियम ड्रैग स्पीड रखनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं ना ही ज्यादा तेज ड्रैग कर रहा और ना ही ज्यादा धीरे ड्रैग कर रहा, मैं बस मीडियम ड्रैग करके हेडशॉट बजा दे रहा हूँ। और अगर मैं आपको सबसे बेस्ट टिप दूं किसी शॉटगन से वन टैप मारने की, जो कि आप लोगों को कोई नहीं बता सकता और ना ही बताएगा, वो ये है कि आप लोग भाई बस ना M1014 से वन टैप मारने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर आपको M1014 से वन टैप मारना आ गया तो आप लोग फ्री फायर की ज्यादातर गनों से वन टैप या फिर ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। इसीलिए आज से आप लोग जब भी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओगे तो M1887 नहीं भाई, आप लोग M1014 लेके वन टैप की प्रैक्टिस करना। और ये जो प्रो प्रो प्लेयर होते हैं जैसे कि YFF या फिर एक दो और जो बाहर के प्लेयर है, इनमें आप लोग एक चीज को गौर करना कि ये बंदे M1887 से ज्यादा M1014 को चलाते हैं। तो इसीलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ वन टैप मारने के लिए M1014 की प्रैक्टिस करना और जैसे मैंने बताया उन चीजों को यूज करना। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यार मैं आप लोगों को कभी बयान नहीं कर पाऊंगा कि भाई एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है, तो इसीलिए भाई प्लीज कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक दिख जाएगा तो उधर आके फॉलो भी कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।